किसान भाइयों, आज हम आपको जॉन डियर जो पुराना मॉडल है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फिट करें, उसमें प्लाउ कैसे लगाएं, उसका आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये जॉन डियर का 50-50D मॉडल है। ये कितने साल पुराना है? डेढ़ साल है। कितना? डेढ़ साल पुराना है। डेढ़ साल पुराना है। इसमें प्लाउ के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिया था? हाँ जी, नहीं आया था। आपने बाहर से लगवाया? बाहर से लगवाया। तो दोस्तों, ये हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने बाहर से डिस्ट्रीब्यूटर लगवाया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका इन्होंने कनेक्शन किस तरह से करवाया, किस तरह से फिटिंग करवाई है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे मडगार्ड पे लगाया है। जी सर, ये क्या है कि ये इसका टैंक पीछे दिया है। अच्छा, इसलिए ये क्या यहाँ पर नहीं लगाया आपने? हाँ, अगर इसका टैंक आगे होता तो वो यहाँ पर लग जाता, या आगे भी लग सकता था, इसलिए वो यहाँ पर लगाया गया है। अच्छा, अब इसको आपने कनेक्शन कहाँ कहाँ से किया? इसका कनेक्शन आगे से है सर। जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेन पाइप है। जी पाइप इसमें जुड़ा हुआ था, यहाँ पर पहले से फिटिंग था ये पाइप। तो जी पाइप दोनों एक निकाल दिया गया तो एक नली उधर लगा दी गई, एक इसमें लगा दी गई। अच्छा जी। तो दोस्तों, ये वाली जो नली थी ये यहाँ पे जुड़ी हुई थी, बिल्कुल इन्होंने इस नली को खोल लिया है जी। और डिस्ट्रीब्यूटर से जो दो पाइप आए हैं उनमें से वो निकाला गया था, वहीं लगाया। एक पाइप को इन्होंने यहाँ इस पॉइंट पे जोड़ दिया है और दूसरे पाइप को इन्होंने यहाँ इस पॉइंट पे जोड़ दिया है। तो अब ऑयल जो है वो यहाँ से फ्लो होता है और उधर से वापस से उसी पॉइंट पे वापस हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो कप्तान साहब, ये बताइए कि ये पूरा सिस्टम लगवाने में आपको कितनी देर लगी? सर, इसको लगवाने में तो 20-25 मिनट लगी थी सर। 20-25 मिनट में पूरी आपकी फिटिंग हो गई? बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपका खर्चा कितना आया? खर्चा सर इसका 5,000 रुपये आया। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।